दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह BSNL का एक रिटेलर बनकर पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि BSNL रिटेलर किस तरीके से बना जाता है, BSNL रिटेलर भाइयों को रिचार्ज करने पर कितना कमीशन दिया जाता है, प्लस यहां पर BSNL रिटेलर अगर BSNL का सिम एक्टिवेट करता है तो उसे कितना कमीशन मिलता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा क्योंकि मैं भी ऑलरेडी 3 साल से BSNL के अंदर रिटेलर हूँ, इसके बारे में प्रॉपर हर जानकारी रखता हूँ। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर ध्यान से देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 100 रुपये का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSNL रिटेलर भाइयों से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो सभी रिटेलर भाइयों को BSNL की ये वाली एप्लीकेशन दी जाती है जिससे वो सिम एक्टिवेट करते हैं, रिचार्जेस करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन इस एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। जी हाँ, जब आप एक BSNL रिटेलर बन जाएंगे तो इस एप्लीकेशन से आप सिम एक्टिवेशन, मोबाइल रिचार्ज वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि BSNL रिटेलर भाइयों को सिम एक्टिवेशन पर कितना कमीशन दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप BSNL के रिटेलर बन जाते हैं और फर्स्ट टाइम आप BSNL के अंदर पैसे डलवाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, तो यहाँ पर फिक्स कमीशन सभी रिटेलर भाइयों के लिए रखा गया है 3%। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाता है अगर आप सेलेक्टेड रिचार्ज करते हैं। जी हाँ, अगर आप बेस्ट ऑफर में से उनका रिचार्ज ऑफर चेक करके करेंगे तो यहाँ पर आपको 2% का एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। अब बात करते हैं अगर आप सिम एक्टिवेशन करेंगे तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो सिम एक्टिवेशन पर यहाँ पर निर्भर होता है कि आप कौन सी FRC कर रहे हैं। जैसे कि सबसे छोटी BSNL के अंदर FRC आती है 108 रुपये की। अगर आप इस FRC से सिम एक्टिवेट करते हैं, किसी कस्टमर का सिम चालू करते हैं, तो यहाँ पर सभी रिटेलर भाइयों का फिक्स कमीशन रखा गया है 52 रुपये। जी हाँ, आपको 50 रुपये सिर्फ 108 रुपये की FRC सेल करने पर दिया जाता है। अब आपको बताता हूँ कि BSNL रिटेलर किस तरीके से बना जाता है। तो BSNL रिटेलर बहुत आसानी से बना जा सकता है, चुटकियों में बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस नियर बाई BSNL के फ्रेंचाइजी पर जाना है, यानी कि BSNL के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाना है या BSNL के TSM से कॉन्टैक्ट कर लेना है। वो आपको BSNL का लापू सिम प्रोवाइड करा देंगे। जी हाँ, BSNL का लापू सिम से ही आप इस एप्लीकेशन में इनरोल हो सकते हैं। इस एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आपको BSNL का लापू सिम मिल जाए तो वो इस एप्लीकेशन में उस नंबर को डाल के OTP डालकर इस एप्लीकेशन को लॉग इन करके आप सभी तरीके के काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि BSNL रिटेलर किस तरीके से बना जाता है। अगर आपके मन में सवाल रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं रिटेलर भाइयों की बहुत सारी मदद करता रहता हूँ।